ना गांजे का जो क्रेज है बहुत अल्टीमेटर। जैसे मैं स्टेशन से बाहर निकला मुझे उसी चीज क्या है, अभी मैं एक स्टोर से बाहर निकला तो भाई आपको क्या महसूस हुआ बता। मैरिजुआना की स्मेल वो भाई यहाँ पे अमृत है लोगों के लिए। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। और इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ मैनहट्टन की लाइफ, नाइट लाइफ। और क्या मैनहट्टन रात को सेफ है या नहीं वो इस वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। और दिखाता हूँ आपको, चलते रहो, स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है। फिफ्थ एवेन्यू सबसे ज़्यादा चलता है। तो आज हम जा रहे हैं दोनों भाई, इसको तो वैसे जानते हो, मैंने इसको इंट्रोड्यूस, अब इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सुशांत, मुझे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत। सुशांत उर्फ सैम, यहाँ के लोगों के लिए सैम और हमारे लिए है सुशांत। पता नहीं इसके तीन चार नाम है, SPKPS पता नहीं क्या क्या, पीके पाके। तो आज हम दोनों भाई जा रहे हैं मैनहट्टन नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज पता लगाते हैं कि भाई नाइट लाइफ सेफ है कि नहीं मैनहट्टन, बताओ व्हाट डू यू थिंक। आपको ये पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, अभी आने वाले टाइम में मतलब अभी पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो बताते हैं क्या सीन है और दिखाते हैं वहाँ पे भाई, सीन ही अलग होता है रात को। मतलब दिन में भी सीन थोड़ा बहुत चला रहता है बट रात को क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी और कुछ बुरे पॉइंट्स भी, पर आज मैं आपको बुरे दिखाऊंगा, अगली वीडियो में कहीं आपको अच्छा कुछ भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं, हमारी मेट्रो वहाँ से लेनी है 7 ट्रेन, फिर जाके सीधा मैनहट्टन उतरेंगे। दो तीन औरतों ने, दो तीन कन्याओं ने हमें पकड़ ही लिया था, वो तब तो वीडियो बना नहीं पाया हैंकर मेरा हाथ पकड़ के। Let's go. No, बिल्कुल नहीं, इसमें जाना है तो काट नहीं यार। उधर बैठते हैं भाई, जब भी आते हैं रशिंग रशिंग से होते हुए पता है कितने स्टॉप्स हैं? 22 मैंने काउंट किए टाइम्स का पूछना है। टोटल 22 स्टॉप्स हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम तो मैं पता ही कितना लगता है, 35 मिनट लगेंगे टोटल। ओ तेरे चश्मे सोया नहीं हुआ तेरा चश्मे अभी हम नीचे हैं तो ये पार करके जाना पड़ेगा। देखो पहले एक चीज़ दिख गई शुरू में, इन लोगों से बच के रहना यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों से खास कर बच के रहना यहाँ पे भाई, ये लोग मतलब कि पैसे तो मांगते हैं, साथ के साथ ये कुछ चाकू की दिखा के पैसे लूट भी लेते हैं, तो खास कर उनसे बच के रहना भाई लोग। और दिखाता हूँ आपको, और भी है अपने। ये तो शुरुआत है भाई, बहुत चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें। फिलहाल हम तो अभी स्टेशन से बाहर भी नहीं निकले, निकल ही रहे स्टेशन से बाहर नहीं निकले तभी मैं आपको दो चीज़ दिखा चुका हूँ। और अब आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। अभी मैं जा रहा हूँ टाइम स्क्वायर की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कैसा होता है। उधर भी कुछ स्कैमिंग वैमिंग चलती रहती है, वहाँ पे भी होमलेस पीपल घूमते रहते हैं और पता नहीं भाई सब कुछ उल्टा सिस्टम है, गांजा वांजा बेचते रहते हैं, इनलीगली सब कुछ होता है यहाँ पे। मरिजुआना पता ही होगा आपको जो करते हैं पुलिस। सामने ही टाइम स्क्वायर कैसे निकल जाते हैं। ओ अंदर की तरफ है, देखो मेरे पीछे, मैं दिखाता हूँ, ये बैठा है एक बंदा और पीछे देख ही लोगा आपने, बैठा है मेरा दोस्त
ओवरडोज है भाई ये, इंजेक्शन ज़्यादा लग गया ना इसलिए। मतलब आप लोगों को यहाँ पे इन लोगों से ही बचना है, क्योंकि भाई ये डेंजरस भी और हम भी आपको बचा सकते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है कि किसी को मतलब ही नहीं होता यहाँ पे, पर ज़्यादातर आपको इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे। एक चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में गांजा का जो क्रेज़ है ना, गांजे का जो क्रेज़ है बहुत अल्टीमेट है। जैसे मैं स्टेशन से बाहर निकला, मुझे उसी चीज़ क्या है, अभी मैं एक स्टोर से बाहर निकला तो भाई आपको क्या महसूस हुआ बता। मैरिजुआना की स्मेल, वो भाई यहाँ पे अमृत है लोगों के लिए, पता नहीं क्यों। इसकी फट गई थी गांड, इसकी गांड फट गई, इसने देख छुपा लिया। मैं वीडियो बना रहा था अंदर के, देख सामान रख लिया अपने अंदर सारा। और ऐसे ऐसे एक चीज़ और सीन है यहाँ पे भाई, अभी जो देखो मिक्की माउस वगैरह बने रहते हैं ना, अगर मैं वीडियो बनाऊँगा ना तो दूर हो जाएंगे वो लोग, वो स्कैम है भाई। यहाँ पे पहले 2-3 बार आया हूँ, मेरे को मतलब कि देख बात है, यहाँ पे अब ऐसा होगा कि न्यूयॉर्कर जैसा होगा कि भाई यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो इतना लूटते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेंगे और बाद में पैसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं भाई सब, कि इतने पैसे दे दो, $10 दो, $20 दो, बोल के $40 $50 एक फ़ोटो खिंचवाने के। अब मैं दिखाता हूँ आपको, होगा अभी पीछे मेरे देखा होगा आपने, एक मैंने जैसे कैमरा खोला तो उसने अपने एयरपोर्ट्स वो सब कुछ अंदर डाल लिए। वो देखो मैं जो आपको बताना चाह रहा था ना, ये रहे वो, ओए यहाँ पे इस बच के रहना पड़ेगा, हमारी बारी है चलने की। चलो तो ये लोग हैं जो सब लोगों को लूटते हैं, देखो ये रहा स्पाइडरमैन हो गया अपना है, देखो ये लोग भाई ऐसे हैं। मैं एंकर देखो, मैं एंकर हटो हटो हटो, साइड 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 साइड, वाह वाह। देखो मैंने कहा था कि लुटेंगे, डेमोंस्ट्रेशन दे दी, फोटो खींचा, वन फोटो 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 दस। ये भी भाई बहुत तगड़े लुट्टू है यहाँ पे, ये भी एक तरीके का स्कैम है, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और क्या बोलते हैं, बोलेंगे इनके ऊपर से जम करेंगे पर इनसे पैसे ले लेंगे। ना ना हम चल रहे हैं, अपनी रुकना नहीं यहाँ पे हमें, ज़्यादा आगे चलते हैं। आज क्या बात है सारे सारे। शक्तिमान रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? वहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी भयंकर, आपकी फोटो, ये लोग भी आपकी फ़ोटो खींच देंगे और बोलेंगे कि भाई देखो कैसी फ़ोटो है, अब ले लेंगे पैसे ऐसे में। फ़ोटो तो आईफोन है सबके पास आजकल, फ़ोटो तो उसमें सेक्सी आ जाती है। भीड़ तो बहुत है यार आज तो, ये देखो इसको इसको, ये भयंकर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। और इस रिक्शा में ही मत कभी बैठना भाई, इस रिक्शा में ही मत बैठना। मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक खतरनाक इंसिडेंट, इसमें लिखा होता है कि मतलब एक मिनट के $9 लेंगे आपके, एक मिनट हो गया तो $9, एक मिनट हो गया तो $9, तो कम से कम क्या बोलते हैं 10 मिनट राइड किया होगा, 10 मिनट राइड का कितना हो जाता है, $90? How much for 1 minute? $9 $90 पर उससे 150-200 मांग लिए उन्होंने, फिर बोला उतारेंगे नहीं, ये पता नहीं थोड़ा धमकी वमकी देने लग गए। तो ये सीन भी है, बाकी सब नहीं होते ऐसे में भी, कुछ होते हैं भाई, किसी को कुछ नहीं पता, कोई कौन किस स्कैम में फंस जाए पता नहीं चलता यहाँ पे। उधर भी यही शो चल रहा है क्या? सेम शो मे बी इज गोइंग ऑन ओवर देयर, फ्रॉम द सेम फैमिली। टाइम स्क्वेयर में आ रहे तो भाई देखो इन चीज़ों से तो आपको भिड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पे। ये क्या भयंकर मानस, कहाँ गया ये, क्या बकचोदी है।
ये मेरे पीछे कौन खड़ा इतना लंबा है इसके यहाँ। चुपचाप हो गए एकदम बेचारे। हाँ चलते हैं, चल सीधा उधर की तरफ चलते, क्या सीन है। मेरे पीछे एक बंदा गांजा ही फूक रहा, लाइव में गांजा फूक रहा है, गांजा। वो जो खड़े तीन लोग वहां पे लाइव में गांजा फूक रहे हैं एंकर। You need Jesus in your home. ये चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये वाला पताल लोक से आ रहा है। ये मैनहट्टन के पताल लोक से धुआं निकलता हुआ आ रहा है। ये सिगरेट है, देखो ये मैनहट्टन सिगरेट पीती है। ये इतनी शुद्ध हवा है ना, इतनी शुद्ध हवा, इसमें कम से कम 200% ऑक्सीजन होगा और 0% कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम मजाक कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, अब कोई भी आया एक्टर में क्या पता, बट जो अपने पीछे देखा वो था टाइम स्क्वायर। अब टाइम स्क्वायर से हम निकल के बाहर की तरफ, अब टाइम स्क्वायर से इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, किधर चले जाओ, तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सीन है। Who is Alicia Keys? I don't know. The girl who has sang the song New York. Oh, New York. I don't know her, to be honest. मुझे नहीं, मैं नहीं जानता उसको, ये लोग जानते हैं पता नहीं, टेलर स्विफ्ट, सुलेट स्विफ्ट सबको जानते हैं। ये जगह मस्त नहीं है वैसे? टाइम स्क्वायर से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है। टाइम स्क्वायर में थोड़ी बहुत पुलिस वुलिस रहती है, इसलिए लोग बस खुल के नहीं कर पाते यहाँ पे। भाई एक दो तीन स्ट्रीट, मतलब यहाँ पे मैनहट्टन में सारी जगह ख़राब नहीं है, बट दो तीन स्ट्रीट जो ऐसी ऐसी हैं कि वो वहाँ जाना अबैंडन नहीं है, मतलब कि लोग बस जाओगे तुम लोग तो वहाँ पे अपने रिस्क पे जाना। एक स्ट्रीट दिखा देता हूँ मैं आपको, 8th और 9th एवेन्यू के बीच में एक स्ट्रीट आती है, तो वहाँ पे पूरी होमलेस बिल्डिंग है, पूरी होमलेस बिल्डिंग। तो वहाँ पे भाई चोरी चकारी मर्डर वर्डर सब लगा रहता है और वीड वगैरह सब बेचते रहते हैं, वीड ड्रग्स सब कुछ बेचते रहते हैं। तो मैं आपको उधर की तरफ लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है। देखो भक्तजनों, जाम यहाँ पे भी लगता है। आप लोग सोच रहे हो कि जाम नहीं होता यहाँ पे, जाम इंडिया से ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। एक तो हर जगह पे एक ट्रैफिक लाइट है यहाँ पे, हर एक जगह पे ट्रैफिक लाइट है, हर एक मिनट हर एक ब्लॉक पे ट्रैफिक लाइट है यहाँ पे। तो भाई देखो रात के टाइम पे, सुबह टाइम पे, हाँ चार ट्रैफिक लाइट्स है और हर एक जगह पे आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैनहट्टन में रहते हो और गाड़ी मत ले लेना भाई, गलती से भी मैनहट्टन गाड़ी मत लेके आ जाना, तो यहाँ फंस जाओगे। दिन के टाइम पे आ सकते हो क्योंकि रश नहीं होता, मॉर्निंग और शाम के टाइम पर देख ही सकते हो। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ की सबसे बेकार स्ट्रीट है, जो मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती, खास तौर पर मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये स्ट्रीट है। अभी आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये रहा वो, देखो 8th एवेन्यू, देखो मैं मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा होगा, वो गांजा बेचते हैं यहाँ पर मुझे लगता है। यहाँ से लेके ये 8th एवेन्यू से लेके सीधा 9th एवेन्यू तक ये स्ट्रीट बिल्कुल ख़राब है, अच्छी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। मेरे पीछे सुशांत के पीछे देख सकते हो आप, ये पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल है, यहाँ पे मिलती है बस, मतलब दूर दूर जाने की। बोस्टन हो गया, आपको बोस्टन जाना हो, अल्बेनिया जाना है, कहीं भी जाना तो यहीं पे आ जाना। पर यहाँ पे टिकट काटने का थोड़ा, अगर आपके पास कैश है ना तो आपको टिकट नहीं देंगे यहाँ पे, कार्ड में पता नहीं क्या सिस्टम है, कुछ अजीब सिस्टम है। और देख सकते हो यहाँ पे कितना खुद ही यहाँ पे, ये थोड़ा बहुत डरावना तो लगता है मेरे को रात को। अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 8-9 बज रहे हैं, तो इसलिए कुछ ठीक है स्ट्रीट अभी फ़िलहाल। रात के 12-1 बजे होंगे जब हम घूम लेंगे तो मैं आपको ये स्ट्रीट दोबारा दिखाऊंगा कि कैसा होता है यहाँ पे। खौफनाक है थोड़ा बहुत, ये मुझे अच्छी नहीं लगती स्ट्रीट। ये देखो सामने, ये भी वही है, बम्प है सारे। देखो यहाँ पे ऐसा मत सोचो यहाँ पे मैं एंकर
यहाँ पे ही बुरा हाल है, यहाँ पे लोगों ने मूत रखा है। सामने देखो मेरे आ रखे एक बंदा, देख लिया भयंकर चूते पो रहे हैं यहाँ पे। देखो स्मोक शॉप यहाँ पे मिल जाता है आपको, भीड़ आराम से मिल जाएगी स्मोक शॉप में। इस स्ट्रीट में तो हमेशा एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ रहती हैं यहीं पर। क्या हो गया किसी को देखा? सुन रहे हो? पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सब कुछ इस स्ट्रीट में, सब कुछ दिख जाएगा आपको। Let me show you the one guy. Let me show you the one guy. देखिए बेच रहा, ये भी इलीगल बंदा बेच रहा। Let me show you the one guy. Yes.